जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी टाटा को ट्रांसफर कर दी है। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी इसरो ने टाटा को ट्रांसफर की है, आज बात करेंगे इसी बारे में। आप बस बने रहिए मेरे साथ। असल में टाटा केमिकल ने इसरो के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत इसरो अपनी लिथियम आयन सेल्स टेक्नोलॉजी टाटा केमिकल्स को देगा। इस मेमोरेंडम में वायरिंग कैपेसिटी, साइज, एनर्जी डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी के पावर स्टोरेज लिथियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी देने की बात की गई है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड TCL एक मैन्युफैक्चरर है जो बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे सोडा एश, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें, जो कि इसरो का पार्ट है, इसने अपने रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स को पावर करने के लिए कई तरह के स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स डेवलप किए हैं। अब इन स्पेस ग्रेड के लिथियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी टाटा यूज करेगा। अब इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का कमर्शियल यूज इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स कर सकेंगे। आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। अभी हाल ही में जिनेवा मोटर शो में टाटा मोटर्स ने अपनी फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार कंसेप्ट से पर्दा हटाया था, तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलबली मच गई थी। टाटा की हैचबैक अल्ट्रोस EV के बारे में लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। ये टाटा की अब तक की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार होगी, जबकि टाटा की टियागो और टिगोर इलेक्ट्रिक कारें सिंगल चार्ज में 130 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। टाटा का दावा है कि अल्ट्रोस EV में फास्ट चार्जिंग की सुविधा होगी और मात्र 60 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी। जिन लिथियम आयन सेल्स का यूज इस तरह की भविष्य की कारों में होने वाला है, इनका यूज ऑलरेडी इसरो अपने सैटेलाइट्स में करता है, और इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को दशकों की मेहनत से डेवलप किया है। असल में इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ समस्या यह है कि इनको लिथियम आयन बैटरीज चाइना, जापान, साउथ कोरिया या अन्य कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे कार की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। लास्ट ईयर इसरो ने अपनी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन किया था, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज को कई तरह के टेस्टिंग कंडीशंस में यूज करके दिखाया गया। इन सेल्स के लाइफ साइकिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेलरेटेड मोड में परखा गया, जिसमें इसरो खरा उतरा। अब इसरो की इस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल करने से इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स सस्ते में बढ़िया कार बना पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली फायदा हम ही लोगों का होगा।